हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी टेक। और आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं कॉस्मिक बाइट का एरिस गेम कंट्रोलर। तो ये मेरी कैंची ख़राब है, तो मैंने से फाइबर का ग्लास काट दिया था गलती से, तो कैंची मेरी ख़राब हो गई। तो इसको कुछ इस तरीके से फाड़ते हैं, अब तो फट ही जाएगा ये। इससे बेकार अनबॉक्सिंग आपने नहीं देखी होगी अब तक। बस फाड़ दो अब तो, कैसे बिन कैसे करके इसको फाड़ देते हैं। निकल जा यार, निकल जल्दी। तो ये आ गया हमारा भैया कॉस्मिक बाइट का, ये हमारी पर्ची दी है अमेज़न वालों ने। तो ये 1799 रुपये का मुझे पड़ा है। वैसे तो ये 1699 में आ जाता है, लेकिन अभी हाल में 100 रुपये बढ़ गया। तो इस तरीके से ये कुछ दिखता है इसका बॉक्स। बॉक्स की क्वालिटी कुछ खास नहीं है, 700 mAh की बैटरी मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक ठाक आपका बैकअप दे देगी, 2 दिन, 1-2 दिन तक चल जाएगा ये। और यहाँ पे बैकलाइट बटन्स दिए गए हैं, अंदर से चांदनी बार जैसी फीलिंग आएगी। विंडोज़ 10 के साथ कंपैटिबल है और USB टाइप सी है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और वाइब्रेशन देखने को मिल जाती है, और 8 मीटर तक जो है इसकी दूरी है, मतलब 8 मीटर के अंदर अंदर आप इसको खेल सकते हैं इजीली। तो सील लगी हुई है दोनों तरफ, चलिए सील को ओपन करते हैं। और निकालते हैं हमारा गेम पैड। पहले मेरे पास PS3 का गेम पैड यूज़ करता था PC में, तो उसमें डिसकनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी, तो इस कारण मैंने ये ऑर्डर कर दिया। वो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता था, ऐसे अब नॉर्मल बिहेव करता था PS3 का रिमोट PC में। तो ये निकल आया हमारा गेम कंट्रोलर, और USB डोंगल भी साथ देखने को मिलता है, ब्लूटूथ रिसीवर होता है ये। ठीक है, तो इसमें एक ही रिसीवर देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमारा रेड गियर का है ना, उसमें आपको दो दो रिसीवर देखने को मिलते हैं। ये हमारी केबल आई है 1 मीटर की। तो ये निकल आया है हमारा गेम पैड, और ये हमारा ब्लूटूथ रिसीवर, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है गेम पैड की। एकदम मतलब ज़बरदस्त लुक है इसका। जो रेड गियर है ना, वो थोड़ा सा मेरे को बड़ा लगा इसके साइज़ कंपैरिजन में। बटन्स वगैरह एकदम स्मूथ हैं, और ये इससे चांदनी बार हमारा ऑन हो जाता है और बटन्स वगैरह ऑन हो जाते हैं। और इसमें अगर आप जो ये बटन है ना, L2, और जो PS3 वाले हैं ना, वो इसको L2 ही बोलते हैं। वैसे ये BT कुछ होता है, और काफ़ी अच्छा मतलब ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है। ये ऑटो का बटन है, डी पैड है, और इससे हमारा चांदनी बार ऑन हो जाता है। और जो 3D लुक्स है ना बटन्स के, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एपॉक्सी रेजिन इसमें डाल दिया गया है, तो उससे बटन बनाए गए हैं इसके एपॉक्सी रेजिन से। पीछे यहाँ पे वारंटी स्टिकर है, इसको फाड़ दिया तो वारंटी गई। और इसके एनालॉग स्टिक्स भी काफ़ी स्मूथ हैं और ज़बरदस्त हैं। तो इनको अगर आपको बंद करना है ना, तो इस तरीके से ये बंद हो जाती है लाइट से, अगर बिजली बचानी है तो। बैक बटन से और एक्स और ए बटन से सब कुछ बंद हो जाता है। तो एकदम मतलब, और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, एकदम हल्का है, और ऐसे कंफर्टेबल वाली फीलिंग आती है एकदम। मतलब कई बार ऐसे होता है ना, अनकंफर्टेबल होके हम खेलते हैं। जैसे दूसरे रिमोट है मेरे पास PC का, एक और लेके आया था मैं, तो वो अनकंफर्टेबल सा था, लेकिन इसको पकड़ते ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा कंट्रोल आ गया हो गेम का हाथ में।
लुक्स के मामले में एकदम ज़बरदस्त गेम पैड मुझे लगा, लुक्स में कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए जो बटन्स है ना इसका, R2, RT और BT जो बटन है वो एकदम ऐसे कर्व शेप में है, और जो क्वालिटी भी है वो भी इसकी काफ़ी अच्छी है, मैट फिनिश दी गई है ना, तो इससे एकदम ग्रिप बनी रहती है। तो चलो इसकी लेटेंसी टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, ये देख लीजिए आप, बटन दबाते ही एकदम गोलियां मार रहा है। ये देखिए, मेरे को तो ऐसा कुछ डिले लगा नहीं, बटन दबाते ही एकदम सारे काम हो रहे हैं। तो थोड़ा गेम प्ले और दिखा देते हैं आपको। तो PC के जितने भी गेम है ना सारे इसमें सपोर्ट करेंगे, और एकदम मस्त फीलिंग आएगी आपको खेलते टाइम। तो मैं गाड़ी देख लेता हूँ, यहाँ पे ट्रक है, रात का टाइम है ना तो कम ही लोग घूमते हैं रात को, तो इस वजह से गाड़ियाँ बहुत कम है। यहाँ पे भी ट्रक, चलो एक कार मुझे मिली है। जो डी पैड है ना इसका, डी पैड मुझे थोड़ा सा अजीब लगा इसका, बाकी एनालॉग स्टिक्स काफ़ी अच्छी हैं, स्मूथ है। डी पैड थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था कॉस्मिक बाइट की तरफ से, पर कोई बात नहीं, अलग अलग बटन्स हो ना डी पैड में तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें पूरा एकदम डी पैड है, जॉइन कर रखें सारे बटन्स को, तो काफ़ी एकदम स्मूथली रन कर रहा है फ़िलहाल GTA 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो चलो आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं, और एक कैश करो का लिंक भी गिवन है, मैं दे दूंगा अगर होगा, मतलब हो पाए तो, वहाँ से आप परचेस करेंगे तो आपको 50 रुपी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, जितना भी आप परचेस करते हैं तो वहाँ से आपको 50 रुपी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना भाई, और वीडियो को शेयर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।